गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। टुडे आई एम डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। इससे पहले हम लोग तीन पार्ट में पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, दे ग्रो विथ क्रॉप्स एंड कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विथ मेन क्रॉप्स। वीड्स अनवांटेड प्लांट है, अवांछित पौधा होता है जो कि क्रॉप्स यानी फसल के साथ बढ़ता है, उगता है एंड कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स यानी प्रतिस्पर्धा करता है किसके लिए? पोषक तत्व के लिए, पानी के लिए, किसके साथ? मेन क्रॉप के साथ। सो वीड्स आर वेरी हार्मफुल, इसीलिए वीड्स को हार्मफुल माना गया क्योंकि जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्लांट को मिलना चाहिए वो ये क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। Why do plants need to disperse their seed? Plants को क्या जरूरत होती है seed को disperse करने के लिए? Seed dispersal allows plant to spread out from wide area. Dispersal के द्वारा seed जो है होता है wide area में वितरित हो जाता है। Avoid competing with one another, जिससे उनके बीच plant यानी crops के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाता है। किस चीज के लिए? पोषक तत्व, पानी के लिए। When does seed germinated? Seed germinated कब होता है? Seed germinated when the condition of the soil, air, water and sunshine are right. जब germinate उस समय होता है जब condition उसके favorable हो, जैसे soil, air, water यानी air यानी जो चाहिए पर मात्रा में गर्मी, warmth चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सनशाइन चाहिए, वो सारा राइट कंडीशन में हो तभी सीड जर्मिनेट होगा। हाउ डू एनिमल हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सम सीड? एनिमल किस तरह से डिस्पर्सल में मदद करते हैं? सीड्स और फ्रूट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, सीड और फ्रूट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सच दैट स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल, जिससे वह क्या होता है एनिमल के फर में चिपक जाता है। फीदर ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के पंखों में भी चिपक जाता है। व्हेन एनिमल्स गोज टू अनदर प्लेस, जब एनिमल दूसरे प्लेस में जाता है देन द सीड डिस्पर्स, उसके साथ सीड भी जाता है और वह एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाता है। ऑल्सो मंकी एंड स्क्वायरल ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड गुआवा एंड डिस्कार्ड द सीड। हम लोग जानते हैं मंकी एंड स्क्वायरल जो होता है फ्रूट खाकर डिस्कार्ड करता है किस चीज का? सीड का, उससे भी सीड डिस्पर्स होता है। नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू प्लांट्स इन विच एकर्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है उसका एग्जांपल दे दो। सम न्यू प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, कुछ प्लांट पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट के द्वारा ग्रो करते हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, जैसे रूट के द्वारा, स्टीम के द्वारा, लीफ के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैरोट पोटेटो, कैरोट रूट द्वारा, पोटेटो स्टीम द्वारा और इसी तरह से ब्रायोफिलम होता है लीफ द्वारा। डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताना है। पहला है, सबसे पहले हम लोग प्लोइंग द लैंड, पहले हम लोग खेत का जुताई करते हैं। दूसरा हो गया एडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं जिससे कि खेत में मिनरल की क्षमता बढ़े। तीसरा है स्प्रिंकलिंग सीड यानी बीजों का छिड़काव कर छिटना, बीजों को छिटना। उसके बाद अगला स्टेज, जब प्लांट के रूप में परिवर्तित होगा सीड तो इरिगेशन, बेबी प्लांट के रूप में परिवर्तित होगा तब उसको सिंचाई करेंगे इरिगेशन। फिर जब पौधे बढ़ने लगता है तो उसमें कीड़े मकोड़े भी लगने लगते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड का छिड़काव करना। हाँ, और जब फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो हार्वेस्टिंग करेंगे यानी काटेंगे। इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन आंसर था आज खत्म हो गया। करना क्या है इसको, क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से याद करना। थैंक यू।